हाय गाइस, वापस आ चुके हैं एक और नए ब्लॉग के साथ। ब्लॉग नहीं, ये मॉडिफिकेशन वीडियो है। बाइक में हम कुछ चेंजेस कराने जा रहे हैं, तो जो लोग ये सोच के आए हैं कि हम ब्लॉग डालने जा रहे हैं, हम कहीं घूमने नहीं जा रहे हैं, भाई इतना नहीं घूमता हूँ मैं, तो अभी घूमने की वीडियो आएगी 15 तारीख के बाद। फिलहाल हम कराने जा रहे हैं बाइक में मॉडिफिकेशन, तो जो लोग बाइक में इंटरेस्टेड नहीं है आप यहाँ से वेट कर सकते हैं, हाँ बट लाइक जरूर कर देना वीडियो को। तो मॉडिफिकेशन ये कर रहे हैं बाइक में, बेसिकली हम अपनी फ्रंट पॉकेट चेंज कर रहे हैं। फ्रंट पॉकेट अपाची जो है मेरी, उसमें 13T का आता है, तो उसको चेंज करके हम लोगों को लगा रहे हैं 14T। रीज़न क्या है, क्योंकि हम जा रहे हैं हरिद्वार और मुझे ऐसा फील हुआ है कि अपाची का जो एक्सेलरेशन है वो काफ़ी अच्छा है, बट टॉप एंड थोड़ा सा मतलब वीक है, मतलब 125-126 के आसपास स्ट्रगल करती है। तो मुझे चाहिए कि मेरा टॉप एंड अराउंड 130-135 के आसपास पहुँच जाए। तो मैं एक बार लॉजिक समझा देता हूँ आपको इस पॉकेट का होता क्या है। तो मैं ऑल फ्रेम में लाता हूँ पहले अपनी बाइक। ये मेरी बाइक जिसमें लगा है आकरा पॉवेक, जो वीडियो भाई इतना वायरल चल रहा है इस टाइम पे, ऑलमोस्ट 3.5 के क्रॉस कर चुका है। सो थैंक यू सो मच फॉर द लव। और अगर हम बात करें इसमें एक के रही अपनी बाइक, अगर मैं आपको किलोमीटर्स दिखाऊं तो अभी किलोमीटर ड्रिवन है 12,000, ऑलमोस्ट 13,000 के आसपास मान के चलो। इसमें कि मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है स्प्रॉकेट चेंज कराने की। बेसिकली स्प्रॉकेट क्या होता है, ये होता है बैक का स्प्रॉकेट, ये होता है फ्रंट का स्प्रॉकेट, जिसके थ्रू चेन हमारी रन करती है और बाइक चलती है। तो इसमें चेंजेस क्या करा रहे हैं हम लोग, मैं लॉजिक बताता हूँ। अगर आपको बाइक में कोई भी चीज़ें करानी है चेंज अपनी स्पीड से रिलेटेड, ये होता है बैक स्प्रॉकेट, इसको अगर आप बड़ा कर दोगे, ये है 45, इसका साइज़ 45 है, इसको 46-47 कर दोगे तो आपकी जो बाइक की एक्सेलरेशन है स्पीड जल्दी पकड़ेगी वो, तो वो बढ़ जाएगी इससे। बट कमिंग केयर, यहाँ पे होता है फ्रंट स्प्रॉकेट, इसके अंदर मैं अभी दिखाऊंगा आपको, यहाँ पे लगा हुआ है 13T, 13T मतलब 13 टीथ वाला। तो अगर आप, मैं इसको हटा के यहाँ पे लगवा रहा हूँ 14T, उससे होगा क्या, मेरी बाइक की स्पीड जो अभी 120-130 है, 125 के आसपास है, वो फिर पॉसिबली हर गियर में बढ़ जाएगी, प्लस टॉप एंड इसका 130-135 के आसपास पहुँच जाएगा, बट एक्सेलरेशन कम हो जाएगा। तो अगर आप इसको बड़ा करोगे तो बाइक जल्दी स्पीड पकड़ेगी, बट अगर आप इसको बड़ा करोगे तो बाइक ज़्यादा स्पीड पकड़ेगी, ये लॉजिक है हमारा यहाँ पे। बाकी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, एक यूट्यूबर है उनके थ्रू, उन्होंने मुझे वीडियो देख के मुझे लगा कि चेंज करना चाहिए, तो मैं इसमें इंस्टॉल करने जा रहा हूँ पल्सर 150 का स्प्रॉकेट। तो लेट्स सी होता या नहीं होता, तो आप कनेक्टेड रहना इस वीडियो पर, आगे जो भी होगा आपको पता चलेगा, लगता है नहीं लगता है, क्या इशू आते हैं, जो भी होगा बताता रहूँगा आप लोगों को। तो होप फॉर द बेस्ट। डे वन मिशन फेल, तो हमने एक बंदे से बात करी जो हमारा मैकेनिक है, तो होपफुली वो ला देगा कल, जहाँ तक कल तक स्प्रॉकेट, तो कल हम दोबारा मिलेंगे आपसे तो अगर इंस्टॉलेशन के, तब तक के लिए सुनो एक बार एग्जॉस्ट की प्यारी सी आवाज़। कमेंट डाउन अगर आपको आवाज़ें अच्छी लगी हो तो। 2000 years later. वेलकम बैक गाइस, बहुत स्पेशल दिन है आज, क्योंकि मैं दिखाता हूँ क्यों है। एक मिनट, तो ये उल्टा दिख रहा है, डोंट नो क्यों। तो आज डेट है 28th of July, दिन है फ्राइडे, और ये दिन बहुत स्पेशल है क्योंकि अभी जस्ट हम करवा के आए हैं अपना स्प्रॉकेट वाला काम कंप्लीट, जिसमें ऑलमोस्ट हम लोगों को लग गए अराउंड 20 दिन। 20 दिन हम लोगों के घुस गए, बर्बाद हो गए स्प्रॉकेट के छोटे से काम के चक्कर में। प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम ये थी अपाची 160 में लगना था, अपाची 180 का स्प्रॉकेट, पल्सर 150 वाला प्लान हो गया कैंसिल, वो स्प्रॉकेट हमें नहीं मिला कहीं पे भी, तो हम लोग को ड्रॉप करना पड़ा। उसके बाद हमने मैकेनिक से बात करी, आंटियाँ आ गई, हाँ तो जब मैकेनिक से हमने बात करी तो उसने सजेस्ट करा हमें पल्सर 180 का स्प्रॉकेट। पल्सर 180 का स्प्रॉकेट जो हम खरीदने जा रहे थे, हमें पूरा खरीदना पड़ रहा था चेन सेट, चेन सेट पड़ रहा था 1200-1500 रुपये, और भाई सिर्फ इतने से स्प्रॉकेट के लिए पूरा चेन सेट खरीदना वर्थ इट नहीं था। बहुत मेहनत करी आपके भाई ने। तो उसके बाद फाइनली मुझे एक वेबसाइट मिली जो अपाची 180 के नाम से, बताता हूँ क्या हुआ मेरे साथ अभी। तो मैंने मान के चलो अपाची 180 का स्प्रॉकेट मुझे वहाँ मिल गया, मैंने ऑर्डर कर दिया, मुझे 224 रुपीज़ का पड़ा, 120 का था, 140 का था प्लस 80 रुपीज़ शिपिंग, वो आ गया। आने के बाद पंगा क्या हुआ दिखाता हूँ, रुको। सो कमिंग टू द पॉइंट, ये आ गया मेरा स्प्रॉकेट, ठीक है, ये मुझे डिलीवर हो गया अराउंड 7 दिन में। ये मैं जो जहाँ से मैंने मंगाया है, टेंशन मत लो, आई विल सेव यू, मैं इसकी लिंक दे दूँगा तो आपको इजीली स्प्रॉकेट मिल जाएगा आसानी से, आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बट इसमें ट्विस्ट क्या है, ये पढ़ो,
यहाँ लिखा डिस्कवर। सो बेसिकली ये डिस्कवर का 14th इंच का स्प्रॉकेट है जो मुझे आज रियलाइज हुआ लगवाने के बाद भी, तो टच वुड डिस्कवर का भी फिट हो गया इसमें स्प्रॉकेट प्रूफ। तो यार देखो मैंने 2-4 वीडियो बनाई है इंस्टॉलेशन की, ज़्यादा उसमें ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं था, यहाँ पे लगना था और एज अ प्रूफ मैंने अपना पुराना स्प्रॉकेट बचा के रखा हुआ है। ये देखो फोकस हो जाओ, ये रहा मेरा पुराना 13 टीथ का स्प्रॉकेट, गिन लेना टीथ, 14 टी लग चुका है उसके अंदर ऑलरेडी। यहाँ पे ये बॉक्स और ये स्प्रॉकेट यहाँ मेरा रखा हुआ है। तो लेट मी जस्ट हेल्प यू आउट, आप लोग को इतनी मेहनत नहीं करनी है। स्प्रॉकेट का लिंक मैं आपको दे दूँगा, स्प्रॉकेट का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप परचेज कर लो स्प्रॉकेट। उसके बाद इसका लॉक, स्प्रॉकेट के ऊपर ना एक लॉक लगता है जिसमें नट टाइट होते हैं, वो लॉक इसके साथ नहीं आया था, सबसे बड़ा ट्विस्ट। तो लॉक ढूंढने में मुझे अराउंड 2 हफ्ते लग गए, लॉक लगा के इसका डिस्कवर का, क्योंकि स्प्रॉकेट डिस्कवर का था तो लॉक भी डिस्कवर का लगा फाइनली। जब मैंने वो बॉक्स के ऊपर पढ़ा कि वहाँ डिस्कवर लिखा हुआ था, तब मैंने फिर जाके डिस्कवर का लॉक ट्राई किया और वो लग गया। और टचवुड अपना स्प्रॉकेट लग चुका है फाइनली। अब मैं रीज़न बता देता हूँ भाई स्प्रॉकेटिंग क्यों करनी है आपको। अभी जस्ट मैं टेस्ट ड्राइव लेके आया हूँ अपनी, चला के देखी सब कुछ करा, 14D लगवाया मैंने। लोग कहते हैं कि आपको इनिशियल बहुत कम फील होगा, कुछ नहीं भाई, ऐसा चला के आया स्मूथ है, पहले से कम है ऑब्वियसली बात है, स्प्रॉकेटिंग करोगे पहले से कम हो जाएगा, बट ठीक है, पिकअप इज़ गुड, आप आराम से ओवरटेक कर सकते हो। बट भाई टॉप स्पीड, इतनी प्यारी टॉप स्पीड आ रही है। पहले मेरी बाइक 5000 RPM पे पांचवे गियर पे, एग्जैक्ट 5000 RPM पे 60 की स्पीड पर चलती थी, वही मेरी बाइक अभी फ़िलहाल 5000 RPM पे 70 की स्पीड पर चल रही है। जो बाइक मेरी 6000 RPM पे फिफ्थ गियर में चलती थी 81-82 के बीच में, वो चल रही है 6th गियर पे अराउंड 87। 7000 RPM पे मेरी बाइक 9900 टच कर रही है 7000 पे। जो अपाची वाले ओनर्स हैं उन्हें पता है कि अपाची का जो लिमिटर होता है वो 10000 के आसपास आके मतलब डन हो जाती है अपाची 10000 पे। 10000 के ऊपर मैं खींचता भी नहीं हूँ, ना मैं सजेस्ट करूँगा आप लोगों को भी। तो मैंने जब अभी टेस्ट करा 10000 RPM पे नहीं, अराउंड 9.5 9500 RPM पे मेरी बाइक पहुँच गई 127 अभी भी इतना बचा हुआ था। तो अप्रॉक्सीमेट टॉप स्पीड जो मैं निकाल रहा हूँ अपनी अपाची से निकाल सकता हूँ, हाईवे क्लियर नहीं था, बहुत ट्रैफिक था, बट ज़्यादा रिस्क लेना भी अच्छा नहीं है भाई। एट द एंड टॉप स्पीड अपनी जगह है और जान अपनी जगह है, जान रहेगी तभी टॉप स्पीड चेक कर पाएंगे। तो टॉप स्पीड निकली अभी फ़िलहाल मेरी, जो अभी करंट निकली वो निकली 123 के आसपास। मैं स्नैप अटैच कर दूँगा 123 का, चेक कर लेना एक बार। बाकी भाई मुझे पूरा बिलीव है मेरी राइडिंग उसके ऊपर, मेरी शिफ्टिंग के ऊपर, जिस दिन मुझे हाईवे खाली मिलेगा उस दिन मैं अपनी अपाची पे आराम से 135-136 टच मार सकता हूँ, जो कि 160 नहीं करती है। कमेंट आएंगे भाई मेरी अपाची ये करती, भाई नहीं कर सकती, 160 का मैक्सिमम होता है 128-130-131 पास, इससे ऊपर नहीं जाती। जब तक आपके फेवर में बहुत चीज़ें ना हो, सच एज विंड ब्लास्ट नहीं होना चाहिए, हाईवे बहुत क्लीन, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आफ्टर ट्यूनिंग 136 का टॉप एंड 160 अपाची 160 से मिल रहा है आपको, तो भाई इससे अच्छा कुछ नहीं है। और 5000 RPM पे बाइक चल रही है 70, 6000 RPM पे बाइक ऑलमोस्ट 90 पहुँच रही है, तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता आप लोगों के लिए। फॉर नाउ मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप लोग इंस्टॉल करो। और आई एम रियली सॉरी, अभी जस्ट यूट्यूब मैंने अपना बिगिन करा है, तो मेरे पास ना एक्शन कैमरा है ना मेरे पास फ़ोन होल्डर है अभी, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मैं आपको टॉप स्पीड डिफरेंस सिर्फ लिख के दिखा सकता हूँ, मैं स्नैप ऐड कर दूँगा उसमें डिफरेंसेस सारे होंगे कि कितनी टॉप स्पीड पे, कितनी गियर, कौन से गियर पे, कितने RPM पे, कितना मेरा टॉप स्पीड मैंने अभी पहले आती थी और अब कितनी मैं कर पा रहा हूँ अचीव। सॉरी फॉर दिस, बट अभी आपको ऐसे मैनेज करना होगा। बाकी एग्जॉस्ट वाली वीडियो पे बहुत प्यार दिखा है आप लोगों ने, थैंक यू सो मच। 6.1K पहुंच गई है वीडियो अभी तक, भाई नहीं एक्सपेक्टेड था। जो बंदा जिसके मुश्किल से मुश्किल 170 सब्सक्राइबर्स अब जाके हुए हैं, जब वीडियो डाली थी तो 120 थे, 120 सब्सक्राइबर बेस पे अगर आप 6K व्यूज़ पहुंचा सकते हो, थैंक यू सो मच भाई, दिल से शुक्रिया, यही प्यार दिखाते रहो। आई एम होपिंग कि ये वीडियो भी बहुत अच्छी जाएगी। तो अगर कोई भी डाउट होता है, मैंने बहुत बार देखा यार, मैंने ना एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर को फॉलो करा, किसी की बुराई नहीं करूँगा, हर किसी की पर्सनल लाइफ है, बट मैंने उनको DM करा, मुझे 12 दिन बाद जाके एक रिस्पॉन्स आया, वो भी ढंग का नहीं आया, स्प्रॉकेट रिलेटेड ही करा था मैंने। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट डाउन,
अगले 5 मिनट में आई एम अश्योरिंग आपको कमेंट पर रिप्लाई मिलेगा। नहीं मिलता है, डीएम के अपने इंस्टाग्राम की लिंक दे रहा हूँ, डीएम करो, अगले 10 मिनट में आपको रिप्लाई मिलेगा जो भी क्वेरी होगी। आप स्प्रॉकेट करो अपनी, अपना अगला स्प्रॉकेट चेंज करो और एक तगड़ा और ख़तरनाक एक्सपीरियंस करो भाई अपनी बाइक से। लिटरली बीस्ट बन गई मेरी बाइक, आई एम लिटरली सेटिस्फाइड विद दिस। देख रहे हो यार, ऐसी हालत में बनाना पड़ता है वीडियो। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। कोई भी डाउट होता है कमेंट डाउन, मुझे डीएम कर दो, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। स्प्रॉकेट की लिंक डीएम में डाल रहा हूँ, सीधा परचेज करना और किसी भी लोकल शॉप से डिस्कवर का जो स्प्रॉकेट का लॉक होता है उनको चले, तुम वो जो स्प्रॉकेट जब तुम्हारे पास आ जाएगा ना उनको दिखाओगे, वो अपने आप लॉक निकाल निकाल के दिखा देंगे तुम्हें, जो फिट हो जाए वो लेके आना, मैकेनिक से लगवाना और उसके बाद देखना मज़े। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, दिस इज यश गुप्ता साइनिंग ऑफ, बाय बाय।